हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज हम जा रहे हैं लेह से दिल्ली। लेह से दिल्ली हम वाया मनाली नहीं जा रहे, वाया काजा नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वाया कश्मीर। और अगर आप दिल्ली से लेह आ रहे हैं तो आप मनाली से आ सकते हैं। अगर हाँ, जैसे हम काजा से आए हैं, ये तो बहुत लंबा था और रूट बहुत ख़राब था, लेकिन अगर आप दिल्ली से लेह मनाली के थ्रू भी आ रहे हैं तो मनाली के बाद भी आपको रास्ता बहुत ख़राब मिलेगा, रोड बहुत ख़राब है। हमारी गाड़ी का साइड मिरर जो टूट गया था चितकुल में, किसने तोड़ दिया था, वो हमें लेह में आके मिला है। तो आप ये सोच लो कि इनोवा का अगर कोई ऐसा साइड मिरर टूटेगा तो या तो मनाली में मिलेगा या फिर लेह में मिलेगा, रास्ते में कहीं आपको नहीं मिलेगा। और हम काजा से आ रहे थे तो हमारी गाड़ी की लाइट वाइट भी निकल गई, तो आप कभी भी वहाँ से आने की कोशिश ना करें काजा से, रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़राब तो लेह का भी ख़राब है, ठीक है जी। और कभी भी ये कोशिश करें कि गाड़ी आपकी कम से कम इनोवा जितनी ऊँची तो हो। इनोवा के भी नीचे से चैम्बर पे पेट्रोल टैंक पर पत्थर लग रहे थे, तो उससे छोटी गाड़ी मत लाएं, क्योंकि हमने बहुत सी गाड़ियां रास्ते में फंसे हुए देखी हैं, ठीक है जी। और अगर आप अपनी गाड़ी नहीं लाना चाहते तो आप बुक करा के भी आ सकते हैं, और आप फ़्लाइट से भी आ सकते हैं डायरेक्ट दिल्ली से लेके। आजकल तो फ़्लाइट टिकट्स ही 3,000 रुपये की मिल रही हैं। बहुत से टूरिस्ट हैं जो डायरेक्ट ले फ्लाइट से आए हैं और यहाँ पर साइट सीइंग कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ट्रिप को। हमने कल ले में सर्विस करवाई है गाड़ी की। सर्विस करवाने के बाद हमने कहा यार एक बार ले आई है, सब सर्विस हमने खुद धोई वोई सब अंदर से साफ वाफ करा, सारा सामान सेट किया, 2-3 घंटे लग के बिल्कुल फ्रेश है अभी भी। हम उसको और एक फाइनल टच दे रहे हैं। तो अंकल जी ये खड़े हैं। अंकल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा ट्रिप? थैंक्स। बस ट्रिप तो अभी चल रहा है, हुआ नहीं है। हाँ जी, लेकिन अभी तक जो रहा बड़ा टायर्ड रहा है। और ये टायर्ड ही होते हैं, इसको आसान समझना बड़ा मुश्किल है जो हम कर रहे हैं। हवाई जहाज से आना पता भी नहीं लगेगा, दिल्ली से आए यहाँ आए, यहाँ से वहाँ गए, चलो जी मतलब 2 दिन में ख़त्म। लेकिन हमारा 2 दिन वाला काम नहीं है, हमें अभी कितना टाइम लग सकता है ये भी हम बता नहीं सकते। इसलिए कल हम बहुत टायर्ड रहे, रास्ता बड़ा ख़तरनाक था। चांगला टॉप जो है बहुत ही टूटी हुई सड़क और ट्रैफिक भी ज़्यादा इस हिसाब से। बाकी पेंगोंग लेक गए, पेंगोंग लेक में आपने देखा ही खूबसूरत नज़ारा, आपने देखा होगा पेंगोंग लेक और नुब्रा वैली। नज़ारे यहाँ पे सब जगह खूबसूरत है। आगे आने वाला टाइम आपको द्रास, कारगिल, श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आपको सारा दिखाएंगे, उसका हाल बताएंगे जरूर, पूरा एक्सप्लोर। धन्यवाद। तो ये आप रूट देख लो, कभी भी आप ले आएँ कम से कम एक बार तो बाय रोड जरूर आएँ, उसके बाद आप जैसे मर्जी आएँ, क्योंकि वो एक देखने वाली चीज़ है पहाड़। इसका जो इंजॉय है ना, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, दुनिया का सबसे दुर्गम रास्ता, ये रास्ते पे आओगे तो पता लगेगा, क्योंकि भाई रोड नहीं आए तो पता ही नहीं लगा। हवाई जहाज ने तो उठा के और नीचे फेंक देना है, सीधा माइनस में ले जाएगा आपको, माइनस में। और ऑक्सीजन की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो जाती है। हम तो इसके साथ मिल के चल रहे हैं, एक एक स्टेप के साथ साथ, वहाँ रुके वहाँ रुके वहाँ रुके वहाँ रुके, तो हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है डाउन, लेकिन ये है कि फिर भी हम उसको कंट्रोल कर मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप हमारी, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी, हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीडियोस बनाई हैं, सारे रूट्स दिखाए हैं। अगर आप ले आ रहे हैं किसी भी रूट से आ रहे हैं तो हमारी वीडियो देखें, आपको रूट का पता लग जाएगा। छोटी गाड़ी तो बिल्कुल मत लेके आना, ऊंची गाड़ी लेके आना, नहीं तो लग जाएगी भाई। मेरा 5वां ट्रिप है ये, और जो लेह का जो रोड है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसको कहते हैं कई गाड़ियां रास्ते में खड़ी थी, लोग छोड़ के चले गए, गाड़ी ख़राब हुई है, एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ, क्योंकि उसका फिर अपने पास अल्टरनेट है ही नहीं। सही बात है। वहाँ से आदमी मनाली जाएगा, मनाली से कोई मिस्त्री लेके आएगा जब उसका काम करेगा, इसलिए आना भी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी काम चल रहे हैं सब जगह, पीछे कोविड की वजह से सारे काम रुक गए थे। सड़क बन रही है, सरचू से आगे सड़क बन रही है, चौड़ी सड़क बन रही है, अच्छी सड़क बना रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से, काम रुकने की वजह से अब जो है बड़ी ख़राब दशा है उसकी, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी। और यहाँ सड़क बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है, आप समझ लो एक सड़क बनने में 2-4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि काम ही 3-4 महीने साल में चलता है, बर्फ़ पड़ी रहती है तो रोड में काम हो नहीं पाता। अंकली हम अपने साथ बीड़ी लाए, बीड़ी सिगरेट जो होती है वो लाए, क्योंकि जो रास्ते में लेबर मिलती है वो बहुत, उनके लिए पानी भी बड़ा मुश्किल होता है, पानी भरने के लिए भी एक आदमी की ड्यूटी रहती है, नदी पे जा पानी लेता लेबर के लिए। और हम लोग बीड़ी लाए हैं, बिस्किट लाए हैं लोगों को बांटने के लिए रास्ते में, जहाँ जहाँ लेबर मिली उनको बांटे, दिल की तसल्ली होती है। अब हमारे पास छत पे और पेटी रखी हुई है बिस्किट की, और इसको हम देंगे गुरुद्वारा पत्थर साहब में, क्योंकि वो वहाँ पे बांटते हैं रस हो, बिस्किट हो, चाय के साथ,
और लंगर उन्होंने अभी कोविड की वजह से बंद किया हुआ है, और चाय चलती है, चाय प्रसाद चलता है, चाय प्रसाद के साथ रस या बिस्किट। तो अभी हम होते हुए पत्थर साहब होते हुए जाएंगे, आपको बाहर से पत्थर साहब गुरुद्वारा दिखाएंगे, क्योंकि अंदर वैसे ही वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहो, इस वीडियो को इन्जॉय करो। अभी हम सामान वामान रख रहे हैं, अभी भी सामान गाड़ी में जा रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ? ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। और लेह से कारगिल का डिस्टेंस है 222 किलोमीटर का। ये आपको प्लेन दिखाई दे रहा होगा जो लेह एयरपोर्ट पर अभी लैंड होने वाला है। छोटा सा एयरपोर्ट है। ये देखो आप, ट्रक पलट गया, तेल का ट्रक था जो पलट गया। तो हम पहुंच गए हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे को मिलिट्री मैनेज करती है पूरा। ये हमारा बिस्किट का डिब्बा। एक बार फिर हम जातिवार गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे, और हमारी तरफ से थोड़ा सा ये गुरुद्वारे के लिए प्रसाद समझ लो। चलो, ये गाड़ी हमारी बिल्कुल फुल है, जितना मर्जी संभाल लो, ख़राब हो ही जाते हैं। चलो करना। यहाँ पर आपको चाय बिस्किट भारी मिल जाएंगे, पानी भी भारी पड़ा है, पूरा मिलिट्री इसको मैनेज कर रही है अच्छे से। गाड़ी के टायरों में हो गया हवा काफ़ी कम, इस टायर में काफ़ी कम हो गई है। तो इस टाइम हम खड़े हैं कारगिल में। कारगिल ये वही जगह है जहां पर भाई कारगिल युद्ध हुआ था, ये तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता इसको। कारगिल से श्रीनगर है 206 किलोमीटर और सोनमर्ग है 122 किलोमीटर। सोनमर्ग 122 किलोमीटर है और कारगिल के पेट्रोल पंप के आगे खड़े हैं जीजा जी, खड़े हैं सुनील भाई, खड़े हैं। तो कारगिल पहले भी आ चुके हैं जी। हाँ, बस ये समझ लो कि वॉर में आए थे, इन्होंने जंग लड़ी है कारगिल में। वॉर के बाद आए थे। वॉर के बाद आए थे। कौन सी वॉर, शादी वाली या वाली? अरे ये अपना जब युद्ध के बाद, कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद आए कारगिल युद्ध के बाद। ठीक है ठीक है। तो आपकी ये मूछे ऊँचे सफेद होगी अब। तो आपको तो पता है कि अच्छी बोली काली आ गई थी, बर्फों पे जा जाके व्हाइट ही हो गई है। बर्फों की वजह से मुझे व्हाइट लोग कलर कर लेते हैं। तो मेरे पास हाँ कलर, मेरे पास स्प्रे पेंट है, बस पेंट आएगा फिर आपको पता ही है। ये कह रहे हैं कि मैं मूछों पे पेंट कर दूंगा, वो जो दीवारों पे स्प्रे पेंट है। नहीं वो नहीं, अब जाएंगे कहीं। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। शादी के बाद कौन देखता है मुझे सफेद है काली है, ये सही बात है ना? कौन देखता है? लेकिन मेरी मूछें वैसे ये ज्यादा, हाँ मुझे को ऐसे घुमा लो यार ना, यहाँ से घुमा लो। स्नो देख देख के ना अकड़ गई है, वाइट हो गई है। सही है, कोई काला कर मिले तो हम लगाए ना। सही बात है। तो मैं आपकी कारगिल में शेव करवा देता हूँ। शेव तो हुई हुई है। अच्छा, काली होनी चाहिए, मुझे काली करवा देता हूँ। ये कारगिल बस अड्डा, मार्केट कारगिल की।
कारगिल क्रॉस करने के बाद यहाँ बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, तो हमने कहा थोड़ा बिस्किट विस्किट निकालें, कुछ खा लें। यहाँ मट्ठी का पूरा पैकेट लेके, सुनील भाई हमें भी खिला दो। अरे लो सर, आप लो एक क्या दो लो, सब पूरा पैकेट पकड़े पकड़े खड़े हो, एक क्या दो लो, आप भी लीजिए, आप भी ले लो। अरे लो ना पूरा पैकेट लीजिए आप। नहीं पैकेट नहीं, आप पूरा पैकेट आप ही रखोगे। थैंक यू। तो चॉकलेट चॉकलेट खा लिए तो बता, चॉकलेट निकालो यार, बिस्किट निकालो यार, चॉकलेट आप ना वापस घर ले जाओगे, ये भेज देंगे दुकान पे जाके। हां यार बढ़िया वाले बिस्किट खिलाना, गुड डे पार्ले जी वो नहीं है, उससे भी महंगे वाले वो नहीं है, सब कुछ है आपके पास। देखो मैगी होंगे पैकेट पड़े हुए हैं, आपने क्या खाना सुनील भाई आप बताओ। मैगी, मैगी खानी है, इनको मैगी और सिलेंडर पकड़ा दो। इनको मैगी और सिलेंडर पकड़ा दो, सिलेंडर पकड़ा दो, छत पे चढ़ा दो, छत पे चढ़ा दो, बिठा दो छत पे, बिल्कुल आप देंगे और काट देंगे। क्या कर रहे हो यार, हाँ नाइस, और भी है क्या? हाँ बोल रहा हूँ, सारे फेम है यहाँ, सारे फेम है यार। अब देखो ये देखो वहाँ से देखो, निकाल लो ना मेरे को, और कौन कौन सब खा लेंगे, अब गाड़ी दिल्ली जाके रुकनी है। हाँ सुनील भाई ये अम्ब्रेला तो लेके दिखाओ, हमने तो अम्ब्रेला लेके घर से आ गए एक बार, बंदा कहता है कि यार, बंदा कहता है एक बार लेते कैसे हैं, हमें पता नमक पारे आ गए हमारे पास। बारिश भी हो रही थी ना, आपने अम्ब्रेला लिया, ये देखो आगे बिस्किट न्यूट्री चॉइस, ठंडा ठंडा पानी। अभी कौन सी नदी है बता रहे हो मेरे को, नदी नहीं नाला है। तो यहाँ से घुमरी है 11 किलोमीटर, सोजिला टॉप 18 किलोमीटर, कैप्टन मोर 20 किलोमीटर, सोनमर्ग 35 किलोमीटर, और कंगन है ये देखो, कंगन है 82 किलोमीटर, श्रीनगर 121 किलोमीटर, जम्मू 420 किलोमीटर और दिल्ली 1006 किलोमीटर। तो हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग, और रास्ते में जोजिला पास था, वहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त जाम था, और इस टाइम बारिश हो रही है, तो सोनमर्ग में मौसम बहुत अच्छा है, सोनमर्ग में अब खाना वाना खाने लगे हैं, देखते हैं। मैं तो डिनर करूँगा, अभी ये क्या खाएंगे मुझे नहीं पता। तो सोनमर्ग में हम बैठे हुए हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, सोनमर्ग वो जगह है जहाँ से बालटाल, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, तो अभी इस टाइम पर कोविड की वजह से तो बंद है सब कुछ, लेकिन आप ढाबे में रेस्ट देखो कितना ज़बरदस्त है रेस्टोरेंट में। हमने 3 आइटम्स ऑर्डर किए हैं, दाल मखनी दम आलू और कढ़ी, साथ में तंदूरी रोटियाँ और साथ में प्याज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। अभी आते हैं तो आपको दिखाता हूँ, दम आलू मंगवाएंगे, थोड़ा दम आए भाई, सुबह से चल रहे हैं थोड़े थक गए हैं। ये हैं दम आलू, प्याज तो मिले हैं थोड़े से, इससे काम चलाएंगे, और साथ में रोटी तंदूरी दाल मखनी और कड़ी, सब खाते हैं फिर चलते हैं आगे, देखो आज हम कहाँ तक जाते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर, लेह से चले 430 किलोमीटर का सफ़र तय करके श्रीनगर पहुँचे हैं भाई, रात के 11:30 बज गए हैं, बहुत मुश्किल से हमें होटल मिला, लोग तो कह रहे थे कि हाउस बोट ले लो। अब हमारे पीछे मेरे इस टाइम बिल्कुल बैक में है डल लेक, होटल का दरवाज़ा बंद हो चुका है इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे, और बाहर बहुत शांति भी है, थोड़ा डर भी लग रहा है। ठीक है, डल लेक में पीछे खड़ी हैं बोट्स, हाउस बोट्स हैं, हमने वो नहीं ली, हमने होटल लिया है क्योंकि हमें सुबह वापस दिल्ली जाना है, कल मॉर्निंग में हम श्रीनगर से दिल्ली के लिए निकलेंगे लगभग 10 बजे, और सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ किसी कृष्णा ढाबा है कोई बहुत फेमस है, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे भी वहाँ का ब्रेकफास्ट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो, और मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।